जीन्स, एलील्स, होमोजाइगस, हेटरोजाइगस, डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल कर चुके हैं। कुछ अदर टर्म्स है जो जेनेटिक्स से रिलेटेड है, अब हम वो डिटेल कर लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट फीनोटाइप एंड जीनोटाइप। फीनोटाइप, लेट अस टॉक अबाउट फीनोटाइप फर्स्ट। किसी भी ऑर्गेनिज्म के फिजिकल कैरेक्टर्स कहलाते हैं फिनोटाइप्स। फिजिकली माने बाहर से, ऊपर से देख करके आप जो जो बता सकते हो वो है फिजिकल कैरेक्टर्स। एग्जांपल के लिए, जैसे आप फेयर हो, आप कम फेयर हो, आप बहुत ज्यादा फेयर हो, तो ये आपके फिजिकल कैरेक्टर्स हैं। आप टॉल हो, आप डॉर्फ हो, ये भी आपका फिजिकल कैरेक्टर है। आपकी हाइट बहुत ज्यादा है, आपकी हाइट बहुत कम है, ये भी फिजिकल कैरेक्टर है। आई कलर, स्किन कलर, हेयर कलर, आपकी आवाज, ये सारी चीजें क्या है? फिजिकल कैरेक्टर्स। तो फिजिकल कैरेक्टर्स क्या कहलाते हैं? फीनोटाइप्स। फीनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल कैरेक्टर्स। फिजिकल कैरेक्टर्स माने बाहर से देखकर, ऊपर से देखकर आपको जो 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 भी दिखाई देगा, जो भी समझ में आ रहा है, वो सब एक ऑर्गेनिज्म का क्या कहलाता है? फीनोटाइप। जैसे एग्जांपल के लिए, गुलाब का लाल रंग का फूल देख के आपको समझ में आता है कि वो लाल रंग का है। पौधा देख के आपको समझ में आता है पौधा टॉल है या फिर पौधा ड्वार्फ है। एक पीला कलर का फूल है तो आपको दिखाई दे रहा है कि वो पीला कलर का है। तो ये सारी चीजें क्या है? फिजिकल कैरेक्टर्स है। एग्जाम्पल के लिए यहां पर मैं लिख देता हूं कुछ एग्जाम्पल्स। हाइट, फ्लावर कलर, ह्यूमंस के लिए ले लोगे तो स्किन कलर, सीड कलर, सीड माने कोई बीज का कलर कैसा है। जैसे कि हम लोग मेंडल के हिसाब से गार्डन पी प्लांट पे स्टडी करेंगे आगे, तो ये सारे कुछ क्या फिजिकल कैरेक्टर्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं जीनोटाइप के बारे में। जीनोटाइप फिजिकल कैरेक्टर का ठीक उल्टा, जेनेटिक कैरेक्टर्स या जेनेटिक कैरेक्टर्स इन द सेंस जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। एक ऑर्गेनिजम्स में किस किस टाइप की कौन कौन सी जीन्स प्रेजेंट है वो कहलाता है उसका जीनोटाइप। सो वी कैन राइट जीनोटाइप एज जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मेकअप का मतलब है कि उसमें कौन कौन सी और किस किस टाइप की जीन्स प्रेजेंट है। जेनेटिक मेकअप का मतलब है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें किस किस टाइप की जीन्स प्रेजेंट है, कौन कौन सी जीन्स है, कौन कौन सी एलील्स हैं, वो कहलाता है उसका जीनोटाइप यानी कि जेनेटिक मेकअप। एग्जांपल के लिए, किसी प्लांट को आप ऊपर से देख के बता सकते हो कि वो टॉल है, लेकिन उसके लिए, उसमें टॉलनेस के लिए कौन सी जीन प्रेजेंट है, कौन सी एलील प्रेजेंट है। एग्जांपल जैसे यहां पर अगर मैं लिखूं, एक प्लांट है वो प्लांट कैसा है, वो टॉल है। तो टॉल है ये, तो उसका फिजिकल कैरेक्टर है आपको बाहर से देखकर ही पता चल जाएगा, लेकिन उसमें जीन्स कौन सी प्रेजेंट है। तो एग्जांपल के लिए, इसमें टॉलनेस के लिए कैपिटल टी एलील्स प्रेजेंट है। कैपिटल टी एलील्स प्रेजेंट है। तो ये कैपिटल टी एलील उसकी क्या है, उसके जीन्स के डिफरेंट फॉर्म्स है, माने एलील्स है। दिस इज बेसिकली वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ जीन्स, इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स। तो वो कहलाता है जीनोटाइप यानी उसका जेनेटिक मेकअप, उसमें कौन कौन सी जीन्स प्रेजेंट है। एग्जाम्पल, किसी प्लांट में फ्लावर कलर है येलो कलर का, और वो येलो कलर जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो कैपिटल वाई, तो वो कैपिटल वाई एलील्स उसमें प्रेजेंट है जो डोमिनेंट है, तो वो उसका कैसा कैरेक्टर होगा? जीनोटाइप। नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्रॉस ऑल्सो। क्रॉस का मतलब होता है ब्रीडिंग, यानी कि किसी दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्रॉस, वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो वी कैन डायरेक्टली राइट इट एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यू कैन राइट इट एज ब्रीडिंग, माने दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्रॉस करना, यू कैन कॉल इट एज ब्रीडिंग ऑल्सो। एग्जाम्पल के लिए, एक टॉल पेरेंट प्लांट, एक टॉल पी प्लांट को आप एक ड्वार्फ पी प्लांट के साथ में क्रॉस करवा रहे हो, तो उसके लिए एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हो आप, अ मेल इज क्रॉस विद अ फीमेल। तो यहां पर ये क्रॉस क्या इंडिकेट कर रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं यहां पर, तो ये एग्जांपल है, एक आपने ये एग्जांपल लिया सिंपली एक फीमेल को एक मेल के साथ में क्रॉस करवा रहा है। एक और एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं हम, मान लो मैं प्लांट का ले लेता हूं, गार्डन पी प्लांट का ही ले लो, जैसे कि मेंडल ने हमें शो किया था, या कोई भी अदर प्लांट ले लो। तो मान लीजिए हमने लिया एक टॉल प्लांट, तो टॉल है तो होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस माने उसमें सेम एलील्स प्रेजेंट है, तो होमोजाइगस टॉल प्लांट को आपने क्रॉस करवाया होमोजाइगस रिसेसिव के साथ में। होमोजाइगस का अगेन क्या मतलब है यहां पर, कि वो सेम एलील्स कंटेन कर रहा है। सो अ होमोजाइगस टॉल पेरेंट इज क्रॉस विद अ होमोजाइगस डॉल्फ पेरेंट, तो ये यहां पर क्या है? क्रॉस, माने इनके बीच में रिप्रोडक्शन।
Now, let us talk about some other terms also. तो मैं आगे, इसके आगे मैं यहां पर लिख दे रहा हूं. तो हमने फिनोटाइप, जीनोटाइप, क्रॉस सब कुछ डिटेल कर लिया. अब हम बात कर लेते हैं कुछ अदर कैरेक्टर्स, जैसे कि चलो लेट अस टॉक अबाउट प्यूनिक चेकर बोर्ड. प्यूनिक चेकर बोर्ड यू कैन कॉल इट एज प्यूनिक चेकर बोर्ड और प्यूनिक स्क्वायर. यू कैन कॉल इट एज प्यूनिक स्क्वायर ऑल्सो, एक ही मतलब प्यूनिक चेकर बोर्ड और दिस कुड बी टर्म्ड एज प्यूनिक स्क्वायर. ये प्यूनिक एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम है. जेनेटिक्स की जो जेनेटिक कॉम्बिनेशंस होती है उनको आप कह सकते हो कि अच्छे से समझने के लिए और उसको उसके लिए चार्ट टाइप का, एक स्क्वायर टाइप का बनाते हैं हम, जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन से पेरेंट से कौन कौन सी एलील बच्चे में आ रही है. और उस एलील के बेस पर आप ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हो या आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि कौन सा कैरेक्टर उसमें दिखाई देगा. तो वो कहलाता है प्यूनिक चेकर बोर्ड या फिर प्यूनिक स्क्वायर. प्यूनिक स्क्वायर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये प्यूनिक स्क्वायर के बारे में इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि इसी की मदद से आप प्लॉट करते हो, आप कैलकुलेट करते हो कि कौन से पेरेंट्स है, जैसे मेल पेरेंट है, फीमेल पेरेंट है, तो मेल पेरेंट से कौन सा एलील आ रहा है, फीमेल पेरेंट से कौन सा एलील आ रहा है, और वो एलील्स मिल करके क्या कैरेक्टर शो करेंगे एफ वन जनरेशन में, और एफ वन के आगे फिर एफ टू एफ थ्री, इस तरह से आप प्लॉट कर सकते हो. दैट इज नोन एज अ चेकर बोर्ड. एग्जाम्पल के लिए मान लो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया एक टॉल प्लांट को एक ड्वार्फ पेरेंट के साथ में क्रॉस करवाया. होमोजाइगस टॉल क्रॉस्ड विद होमोजाइगस रिसेसिव, यानी होमोजाइगस ड्वार्फ. तो यहाँ पर एग्जाम्पल अगर अपन चेकर बोर्ड के लिए प्लॉट करें मान लो, तो ये अपन लोग कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पर. अब इसमें आप एक तरफ लिखते हो मेल गैमेट और एक तरफ लिखते हो फीमेल गैमेट, यानी फीमेल पेरेंट से आने वाले गैमेट एक तरफ, किसी भी तरफ लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल में मेल, वर्टिकल में फीमेल, ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं पे भी लिख सकते हो. तो आप एक तरफ लिखते हो मेल गैमेट, एक तरफ लिखते हो फीमेल गैमेट, और फिर आप उसके जो जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उनको आप कैलकुलेट करते हो. एग्जाम्पल के हम एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर से कि एक टॉल पेरेंट को एक ड्वार्फ पेरेंट के साथ में हमने क्रॉस करवा दिया. अ टॉल पेरेंट क्रॉस विद अ ड्वार्फ पेरेंट. तो यहाँ पर देखिए अगर मान लो कि मैंने इस तरफ लिख दिया मेल गैमेट को या मेल पेरेंट के गैमेट्स को, इस तरफ मैंने लिख दिया फीमेल पेरेंट के गैमेट्स, तो देखिए क्या होगा. आपको सिर्फ पॉसिबल कॉम्बिनेशन बता दें, इसको इसको कंबाइन करो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर यहाँ से कैपिटल टी और यहाँ से स्मॉल टी. अच्छा एक बात और है, यहाँ पर स्मॉल टी मैंने पहले इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कैपिटल टी दिखाता है डोमिनेंट कैरेक्टर को और स्मॉल टी दिखाता है रिसेसिव कैरेक्टर को. हम कभी भी डोमिनेंट कैरेक्टर को पहले लिखते हैं, माने डोमिनेंट एलील को पहले लिखते हैं. तो डोमिनेंट एलील पहले लिखोगे, रिसेसिव एलील बाद में लिखोगे. तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर से भी क्रॉस करोगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी. इधर से भी पहले आपने देखो ये वाला रो लिया, उसके बाद ये वाला रो, कैपिटल टी स्मॉल टी, मेरा मतलब स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी. तो ओवरऑल चारों में आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर दिस स्मॉल टी क्रॉस विद दिस कैपिटल टी, सो कैपिटल टी स्मॉल टी. यहां से भी ले लो ये स्मॉल टी और ये कैपिटल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां से भी स्मॉल टी कैपिटल टी. मैं स्मॉल को पहले इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो रिसेसिव कैरेक्टर है, रिसेसिव एलील है, और रिसेसिव एलील को हम बाद में दिखाते हैं, डोमिनेंट एलील को हम पहले दिखाते हैं. तो आपको इस तरह का कुछ मिल गया, दिस इज नोन एज अ प्यूनिक चेकर बोर्ड. इससे आपको क्या पता चलता है, इससे आपको ये पता चलता है कि ये एक भी कैपिटल टी प्रेजेंट है माने डोमिनेंट एलील, और एक भी डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है माने कौन सा कैरेक्टर दिखेगा, डोमिनेंट वाला. इसका मतलब ये वाला बच्चा, क्योंकि ये पेरेंट्स है, ये पेरेंट के गैमेट्स है, ये पेरेंट के गैमेट फ्यूज हो रहे हैं, पेरेंट के गैमेट फ्यूज होंगे तो बच्चे बनेंगे, तो पेरेंट के गैमेट फ्यूज होंगे तो ये बच्चे में कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है. इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी. कितने बच्चे हुए, चार. कितने पेरेंट थे, दो पेरेंट, एक मेल और एक फीमेल. हमने कितना कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर बस लिया, कौन सा कैरेक्टर लिया, हाइट. तो यहाँ पर एक टॉल पेरेंट था, एक ड्वार्फ पेरेंट था, तो आपको कितने बच्चे मिले, चार. सबका जीनोटाइप कैसा है, कैपिटल टी स्मॉल टी. एक भी कैपिटल टी माने एक भी डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, तो कैसा कैरेक्टर दिखेगा, डोमिनेंट. और डोमिनेंट कैरेक्टर यहाँ पर क्या है, टॉल. इसका मतलब ये चारों बच्चे कैसे होंगे, टॉल होंगे. तो लेट अस राइट दैट यहाँ पर ये, मतलब ये मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, लिख नहीं रहे हैं ये, इसकी बात में डिटेल करेंगे जब हम क्रॉस के बारे में और ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे. तो इससे आपको पता चल गया चार बच्चे होंगे, चारों कैसे होंगे, टॉल. तो ये आपने कैसे पता किया, प्यूनिक चेकर बोर्ड की मदद से. कुछ अदर टर्म्स और है यहाँ पर, तो जे, तो अब तक हमने फिनोटाइप, जीनोटाइप, क्रॉस, प्यूनिक चेकर बोर्ड सब कुछ पढ़ लिया. लेट अस टॉक अबाउट फीमेल और एफ. ये जो मैं एफ बार बार बोल रहा हूँ, ये पेरेंट ने क्रॉस किया, यहाँ पर क्या बन गया, इससे क्या बना, एफ वन जेनरेशन. एफ वन जेनरेशन,
F1 माने पहला जनरेशन, तो जब दो पेरेंट्स क्रॉस करेंगे बच्चे जो होंगे पहले जनरेशन के वो होंगे F1 जनरेशन, F1 जब क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा F2, F2 के मेंबर जब क्रॉस करेंगे तो F3, F3 के पेरेंट्स जब क्रॉस करेंगे तो F4, तो यानी कि पेरेंट्स ने क्रॉस किया F1 जनरेशन बना, F1 जनरेशन के मेंबर ब्रीडिंग करेंगे या फिर क्रॉस करेंगे F2 जनरेशन बनेगा, F2 से F3 एंड सो ऑन। तो यहां पर F का मतलब क्या है, दिस F मींस फिलियल, फिलियल, फिलियल का मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो हम लोग शो कर रहे हैं, जिसमें आप क्या लिख सकते हो F1 जनरेशन, F1 वाले क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा F2, इसी तरह से F3, F4 एंड सो ऑन। तो फिलियल का मतलब है जनरेशन, F हम लोग F क्यों लिख रहे हैं यहां पर फिलियल के, तो F1 माने फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F2 माने सेकंड फिलियल जनरेशन, F3 थर्ड फिलियल जनरेशन एंड सो ऑन, इस तरह से क्रॉस करके जनरेशन आफ्टर जनरेशन आपको जो न्यू जनरेशन से वो मिलते जाएंगे। तो अब हमने यहां पर ऑलमोस्ट सारे टर्म्स डिटेल कर लिए, अब हम लोग मेंडल और उसके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल करेंगे।